आज फेसबुक लाइव में हमारे साथ स्पेशल टॉक में जुड़ रहे हैं बॉलीवुड के जाने पहचाने निर्देशक डायरेक्टर विवेक वसवानी साहब, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। आपकी बात की जाए, आपने काफी फिल्में बॉलीवुड को दी हैं, आपका एक फिल्म जगत में एक अलग नाम है। वसवानी जी, आपका नेशन में बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। बॉलीवुड में आना क्या फर्स्ट चॉइस थी या फिर ऐसे ही बॉलीवुड में बस एंट्री हो गई, फिर लगातार बढ़ते चले गए एक्टर से लगा करके फिर डायरेक्शन में पहुंच गए? लोग आते रहे, एक कारवा बन गया। मतलब पत्थर के फूल के बाद वाकू भागनानी और रमेश तौरानी आए कि हमको भी एक पिक्चर बनाओ, आप सेटअप बनाइए दीजिए, आप अपना एक कंसल्टेंसी दीजिए, आप हमको सिखाइए कि क्या करना है। तो कूली नंबर वन बनी। संजय गुप्ता को ब्रेक देना था, सिप्पी साहब से मैंने बात किया, 2 घंटे हम लोग अकेले बात किए और संजय गुप्ता के लिए आतिश बन गई। और मेरे दोस्त थे आशीष हेमराजानी और परीक्षित, हम ऑफिस में बैठते थे, बात करते थे, मैं उनको मेट्रो सिनेमा ले गया, लोगों से मिलाया, और उन्होंने आज एक 20,000 करोड़ का कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम है bookmyshow.com। मैंने हाल ही में एक फिल्म बनाई रफ बुक, जिसमें मैं एक्चुअल कॉलेज के बच्चों को लेकर मैंने एक पिक्चर बनाई, वो मैं सिनेमा में डाला नहीं, वो मैं स्कूल में दिखाया, अब अमेजोन प्राइम पे है। बहुत ही कामयाब पिक्चर है, बहुत ही लो बजट बनी थी। पहली बार मैं एक डायरेक्टर के साथ सेकंड टाइम काम कर रहा हूँ, अनंत महादेवन के साथ, जिनको मैंने ब्रेक दिया था दिलविल प्यार व्यार फिल्म में। तो मैंने बहुत सारी चीजें की है, लेकिन फोकस हुआ है कि मैं लोगों को सिखाऊं, मैं मेंटोर करूं लोगों को, और मैं उनको फिल्म नहीं दूं, मैं उनको कामयाबी दूं। काम ढूंढो काम मिलेगा, कामयाबी ढूंढोगे तो कामयाबी मिलेगी। जी वासा जी, बात की जाए शाहरुख खान की, जो आज किंग खान बन चुके हैं बॉलीवुड में, क्या वो पल जो विवेक वासवानी के साथ गुजारे, मुंबई में जाना हुआ, वो कॉफी शॉप, वो घर में 2 साल तक का रहना, क्या किंग खान को बाखूबी सब याद है या भूल गए? वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। वासवानी जी को क्या लगता है? वासवानी जी को लगता है कि शाहरुख खान बहुत अच्छा दोस्त है, शाहरुख खान फोन पे बात करते हैं। मैं शाहरुख के जन्मदिन की पार्टी में गया था 2 साल पहले, लास्ट ईयर पार्टी नहीं हुई है, इस साल शायद वापस होगी कोविड अगर सब कुछ सुधर गया तो। और हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन मैं उनकी कामयाबी का कोई क्रेडिट नहीं लेता। मैं राजू बन गया जेंटलमैन बना सकता था, उस पिक्चर को कामयाब नहीं कर सकता था, वो तो पब्लिक की जी। सारी पिक्चरें सलमान ने सूरज पंचोली के लिए पिक्चर बनाई, हीरो नहीं चली। फिर उन्होंने जहीर इकबाल के लिए बनाई नोटबुक, नहीं चली। उन्होंने आयुष शर्मा के लिए पिक्चर बनाई लव यात्री, नहीं चली। तो पिक्चर नहीं बनाना होता है, स्ट्रैटेजी बनाना होता है, और कामयाबी पिक्चर की नहीं होती है, कामयाबी इंसान की होती है, और वो कामयाबी का जो राज है वो मैं सिखाता हूँ एज ए टीचर। बिल्कुल। विवेक वासवानी इस वक्त नेशन वन पर लाइव है, जो पूरे बेकाबाकी से बता रहे हैं कि शाहरुख खान हो या कोई और एक्टर हो, उसकी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं लोगों का क्रेडिट लेने की एक होड़ सी लग जाती है, लेकिन वो साफ कह रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, कोई कामयाब आदमी के पीछे कोई खास वजह किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं लेनी चाहिए। राजू बन गया जेंटलमैन जरूर उन्होंने उनको दिया था, और उन्होंने कामयाबी जो हासिल की उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहते। विवेक वासवानी बता रहे हैं बहुत अच्छे दोस्त शाहरुख खान है, और लगातार उम्मीद आगे भी करते हैं उनसे दोस्ती बाखूबी जारी रहेगी। वासवानी बात की जाए अभी आने वाला है, जो कोई क्रेडिट दोस्ती के लिए तो कोई क्रेडिट नहीं लेता है, इंसानियत के लिए तो कोई क्रेडिट नहीं लेता है ना। आज शाहरुख हजारों लोगों के लिए पैसे देते हैं, मदद कर रहे हैं कोविड काल में, क्रेडिट नहीं लेता है ना। अगर हम इंसान हैं, हम एक दूसरे को मदद करें, नेकी करें, दरिया में डालें, और बस यही होती है इंसानियत। वासवानी जी बात की जाए पूरे इस दौर में काफी लोग, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, बहुत ऐसे जरूरतमंद लोग थे जिनके पास, जो परेशान थे इस कोरोना काल को, एक एक दिन की जो मजदूरी लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके सामने एक ऐसी मजबूरी खड़ी हो गई है, उनके खाने पीने का गुजारा सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले कितने दिनों में सारी चीजें मेंटेन हो पाएंगी? अब बात बॉलीवुड की अगर करें तो जो पूरा रूटीन पहले चलता था, कितना वक्त अभी और लगने वाला है आने वाले सेम वैसे ही प्रोसेस होने में जैसे पहले चलता आ रहा था? मैं देश नहीं चलाता हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं चलाता हूँ, मैं जो अपने दो हाथों के साथ कर सकता हूँ मैं करता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, 90% ऑफ माई सैलरी गोज टूवर्ड्स अदर पीपल्स हैप्पीनेस, इट डजंट कम टू मी। मैं आज तक बस में और ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सफर करता हूँ, मैं आज तक नए कपड़े नहीं खरीदता हूँ,
मेरा जो काम है, मेरा जो फर्ज है, मेरा जो धर्म है, मैं निभाता हूँ। बाकी जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उन्होंने पीएम केयर्स का एक फंड खोला है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मैन पावर बहुत बड़ा इशू है और मेडिकेशन बहुत बड़ा इशू है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमको अपने गवर्नमेंट पे भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी मदद करेंगे। और अगर नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो हम उनका दरवाजा खटखटाएं, मुझे लगता है कि वो ना नहीं बोलेंगे। वास्तव में लॉकडाउन की अगर बात, लॉकडाउन से पहले कितनी मूवी जो लाइन में थी, जिनकी शूटिंग चल रही थी, प्रोडक्शन जिनके तैयार थे, अगर बात की जाए फिल्म सिटी, काफी मेरी और लोगों से भी बात हुई, काफी सेट जिसमें काफी पैसा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का लगा हुआ है, खर्च हो गया है, तो कितनी फिल्में अभी जो लाइन अप थी, जो चल रही थी, उनकी शूटिंग जारी थी, वो लॉकडाउन की वजह से रोकनी पड़ी। बहुत सारे मेरे दोस्त संजय गुप्ता जिनके साथ मैं पत्थर के फूल किया था, मैं आपको बता रहा था, जिनकी पिक्चर आती पहली पिक्चर उनकी पिक्चर है मुंबई सागा, वो हैदराबाद जा रहे हैं आई थिंक, एंड दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट पीपल हु विल स्टार्ट शूटिंग। जी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब दोनों तैयार हैं, तैयार है। सलमान राधे बना रहा था, वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट थी। अजय देवगन भूज पिक्चर कम्प्लीट कर चुके हैं, जी और रणवीर सिंह की पिक्चर 83 जो कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है वो बना रहे थे। तो ऐसी 15 या 20 बहुत बड़ी पिक्चरें अटकी हुई हैं, और जैसे ही कोविड खत्म होगा हम बिल्कुल पहले मतलब दे विल बी द फर्स्ट पीपल हु विल स्टार्ट एंड कम इनटू द थिएटर। मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है, और सिनेमा का प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है कि लोगों के मन में एक वहम है कि उनको सिनेमा में जाना नहीं चाहिए क्योंकि जॉब है। इसीलिए सिनेमा और स्कूल ऐसी दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट बिल्कुल आखिर में खोलेगा, लेकिन जब खोलेगा और जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो विद इन 3 मंथ्स एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल, मुझे उसका पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। बात की जाए बॉलीवुड से, क्या सरकार की, बॉलीवुड का जो एसोसिएशन है, सरकार की जो गाइडलाइंस है, क्या उसको लेकर के बॉलीवुड के लोगों की, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे मीटिंग एडवाइजरी को लेकर कैसे किया जाए, क्या उस पर बात हुई है? चल रहा है, हमारे बहुत अच्छे एसोसिएशन हैं, हमारे आर्टिस्ट एसोसिएशन जो सिंटा है वो कंटिन्यूसली ऑन द बॉल है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, गिल्ड, फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से बात कर रही है। मुझे खुशी है कि जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, क्योंकि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, बहुत सपोर्टिव है, बहुत डिस्कशंस में है, और हम जल्द से जल्द कोशिश, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का तो बेनिफिट है, हर टिकट पे तो 18% उनको GST मिलता है जी, तो जरूरत है और जरूरत होगी, और हम सब मिलकर एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं, वो एक कोविड का जब तक एक तोड़ नहीं निकले, एक वैक्सीन नहीं निकले, दवा नहीं निकले, तब तक हम लोगों को एक सब्र रखना चाहिए, और उस सब्र में हमारी जान बच जाएगी, ये सोचना बहुत जरूरी है। वासानी जी, बात की जाए जो अपने छोटे जो कलाकार हैं जो टीवी सीरियल में काम करते हैं, या दूसरे और मैं बात कर रहा था प्रोडक्शन में जो लोग काम करते हैं, ऐसे बहुत लोग जो अभी वापस घर भी चले गए हैं, लेकिन काफी लोग मुंबई में जो अभी रह रहे हैं, तो उनकी जो चल रहा है उनके खाने पीने का, क्या एसोसिएशन के लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, क्या उनको खाने पहुंचाने के लिए उनकी मदद? यस, एसोसिएशन के लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, एक एक एसोसिएशन जो है, और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज वाइस तिवारी साहब इसके चेयरमैन है, सब मदद कर रहे हैं। मुश्किल तो माइग्रेंट वर्कर्स के हैं, मुश्किल तो टैक्सी ड्राइवर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के हैं जो नहीं चला सकते हैं, मुश्किल है जो उसमें रहते हैं, जो नौकरियां करते थे, जो ऑफिस में प्यून्स थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते थे जैसे धारावी में, उनका जो मतलब उनके उनके ऊपर जो मुश्किल आई है उस पे अर्जेंटली काम करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी बात की जाए जैसे अभी कोरोना का अभी प्रकोप जारी है, अभी लगातार मामले भी पूरे देश की अगर बात की जाए लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में होप शो और सभी लोग इस पर से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द जो मामला जैसे पहले थे पूरा रूटीन वैसे ही लोगों को हो जाए, इस महामारी से लोगों को निजात मिल जाए, तो क्या राज्य सरकारों से बॉलीवुड की बात होगी टैक्सेस को लेकर, क्या कम किए जाए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही पेचीदा होने वाला है चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, तो क्या राज्य सरकारों से बात होगी टैक्स को लेकर के टैक्स फ्री की जाए,
फिल्में? राज्य सरकार को टैक्सों की सख्त जरूरत पड़ेगी इस वक्त, तो जी टैक्स कम नहीं होगा, शायद ज्यादा ही होगा। एक जमाने में एंटरटेनमेंट टैक्स टिकट पे 30-30% हुआ करता था, अब 18% है, जी तो आई डोंट थिंक कि टैक्स घटेगा। और आई थिंक कि हमको टैक्स खुशी खुशी भरना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल टैक्स हमारी देश की तरक्की में जा रहा है और लोगों की दुखी हालत को रेक्टिफाई करने में जा रहा है। सर, मीडिया के स्कूल की बात की है, मीडिया स्कूल साहब दून स्कूल ऑफ टेम्परेरी मीडिया के आप डीन रहे हैं और काफी स्टूडेंट रहे हैं जो आपसे सीखना भी लगातार चाहते हैं, चाहे वो वेब सीरीज के जरिए या कैसे भी, वो आपसे लगातार सीखते रहते हैं। क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो अभी भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या अपना कुछ उनके लिए क्या मैसेज आपका होगा? सर, कंटेम्प्रेरी मीडिया वो होता है जो मीडिया है, मीडिया मतलब एक कम्युनिकेशन का जरिया, कम्युनिकेशन का चैनल। तो टेलीविजन एक जरिया है, रेडियो एक जरिया है, सिनेमा एक जरिया है, थिएटर और स्टेज एक जरिया है, प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं वो एक जरिया है। अब इन बिल्कुल सारों को लेकर अगर हम आगे जाएं तो चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो टैलेंट मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिंडिकेशन, चाहे वो एंटरटेनमेंट लॉ हो, चाहे वो स्टूडियो चलाने का काम हो, ये सारी चीजें आती है कंटेम्प्रेरी मीडिया में। जी गौर अकेडमी का जो स्कूल ऑफ कंटेम्प्रेरी मीडिया है वो एक्टिंग स्कूल नहीं है, जी एक्टिंग स्कूल दूसरे होते हैं। हम एक्चुअली उनको लेकर हम ऐसी ट्रेनिंग देते हैं और ऐसे एजुकेशन देते हैं ताकि वो जी आगे चल के मीडिया में अपना करियर बना सके, टेलीविजन में करियर बना सके, इंटरनेट पे करियर बना सके, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल सोशल मार्केटिंग, पीआर, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसे सारे करियर्स में वो अपने करियर बना सके। बिल्कुल वासवन सर, देहरादून की अगर बात की जाए, आपका रिश्ता देहरादून से भी रहा है, देहरादून में भी आप, मैं आपको एक चीज तो बताऊं कि देहरादून के बारे में क्या कुछ चीजें पसंद है, अगर देहरादून की बात की जाए, यहाँ का जो एटमोस्फेयर है, यहाँ की और चीजें क्या पसंद है वासवानी जी को? मुझे तो देहरादून पसंद है। मेरा देहरादून से ताल्लुक 3 साल पहले से हुआ था, जब मैं देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का क्यूरेटर बना। तो पहली बार जब मैं आया मुझे बहुत मजा आया, लोग बहुत अच्छे थे, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, आपके नेशन वन पे भी दोस्त मैंने बनाए। जी आरजे काव्या जो देहरादून में रहते हैं, जी उत्तर का पुत्र, वो मेरे दोस्त बन गए। फेस्टिवल बहुत कामयाब बनी, मैं 5 या 6 कॉलेजेस में जाके उनसे बात किया। और अब जो है एक बहुत बड़ा आपके 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 देहरादून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग साइंसेज, जी यूपीएस है। तो यूपीएस हाँ, यूपीएस यस, यूपीएस और पर्ल एकेडमी सिस्टर जी यूनिवर्सिटीज हैं। और ओके जी यूपीएस के स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया के एडवाइजरी बोर्ड पे भी मैं हूँ, और होपफुली मैं उस सिलसिले में जब लॉकडाउन खत्म होगा मैं बहुत जल्द देहरादून आऊंगा। बस सर, अभी क्या देशवासियों के लिए, प्रदेश उत्तराखंड वासियों के लिए क्या मैसेज होगा विवेक सर का, पूरे जो अभी ये माहौल चल रहा है, क्या लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, क्या लोगों को करना चाहिए, एक दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या मैसेज आपका पूरे लोगों के लिए होगा? सबर और सेफ्टी, पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस, घर रहो, एसेंशियल काम नहीं हो तो बाहर मत जाओ, बाहर जाओ तो मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, 10 बार दिन में अपने हाथों को धो, नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली मर जाएंगे, देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब। तो जितना सबर, हम लोग यहां तक आ गए हैं, अगर 2 महीने 3 महीने और घर में ही बैठना पड़े तो बैठना चाहिए। पिक्चरें देखो, कोर्सेस करो ऑनलाइन, वेबिनार्स देखो, लेकिन प्लीज तफरी के लिए बाहर मत जाए, ये मेरा एक मैसेज है, सिर्फ देहरादून वासियों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। हम लोग एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बॉम्बे में तो बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि बॉम्बे में इतने सारे लोग हैं, आपके 10 देहरादून एक बॉम्बे में फिट हो जाते हैं और जगह नहीं है, उसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो देहरादून में तो कम से कम आपके पास खुली हवा है, आपके पास पेड़ हैं,
आपके पास पहाड़ हैं जो आप देख सकते हैं, आपको जी ताजी हवा, ताजा पानी है, चुपचाप घर बिल्कुल बैठो, दो वक्त की बहुत सिंपल खाना खाओ, सिक्योरिटी और प्रिकॉशनरी मेजर्स रखो, नहीं तो बहुत 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 मुश्किल। अभी तक पीक जिसको बोलते हैं नहीं हुआ है, जुलाई अगस्त बहुत कठिन महीने होने वाले हैं, और हमको बस अपने सब्र से, हिम्मत से और शक्ति से इस दौर से गुजरना पड़ेगा। वासवन साहब, एक बहुत पुराने समय से आप बॉलीवुड देखते आ रहे हैं, बॉलीवुड में पसंदीदा अभिनेता कौन रहे वासवन साहब का, और पसंदीदा फिल्मों की बात की जाए, कौन कौन सी पसंदीदा फिल्में रही हैं? मेरी जो है कोई पसंदीदा एक्टर नहीं है या एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैं कभी एक एक्टर को देखता हूं तो एक फिल्म में बहुत बढ़िया काम करते हैं और जी दूसरी फिल्म में बहुत घटिया काम करते हैं। तो मैंने क्लियरली मुझे समझ में आया कि एक्टर एक्टर होता है, उससे काम निकलवाने का काम डायरेक्टर का होता है। तो जी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स नहीं है, मेरे फेवरेट परफॉर्मेंसेस हैं, जैसे जी अमिताभ बच्चन दीवार में, जैसे जी शशि कपूर कभी कभी में, जैसे शम्मी कपूर ब्रह्मचारी में, जैसे संजीव कुमार आंधी पिक्चर में, जैसे जी सुचित्रा सेन आंधी पिक्चर में, जैसे जी शर्मिला टैगोर और अमर प्रेम में, जैसे हेमा मालिनी शोले में, जैसे धर्म जी पिक्चर में, मतलब धर्म जी तो धर्म जी रहते हैं, फिर चाहे जी जुगनू हो या चरस, चाहे अलीबाबा हो या शोले, वो बिल्कुल अपना एक धर्मेंद्रपन जिसको बोलते हैं वो करते हैं, तो मुझे उनका हर परफॉर्मेंस। लेकिन कभी कभी जब वो धर्म जी बनने से बाहर निकलते हैं, जी ऋषि मुखर्जी की पिक्चर सत्यकाम में, ऋषिकेश मुखर्जी की पिक्चर चुपके चुपके में, तो बहुत जी प्यारे होते हैं। तो मेरे और रिसेंट कंटेम्प्रेरी एक्टरों में से मुझे आयुष्मान अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे किरदार देते हैं और बहुत डिफिकल्ट रोल्स करते हैं। जी शुभमंगल ज्यादा सावधान में होमोसेक्सुअल का रोल किया था, विकी डोनर में स्पर्म डोनर का रोल किया था, वो डरते नहीं है, वो डरते नहीं है, बहुत निडर एक्टर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छा काम करते हैं, राजकुमार राव बहुत बढ़िया काम करते हैं, स्त्री में तो उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत अच्छे एक्टर हैं। शायद में अलीगढ़ में, मतलब हंसल मेहता की सारी पिक्चरों में मुझे राजकुमार राव बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन संजय बंसाली के हाथ में, चाहे वो बाजीराव था, बहुत बढ़िया काम किया था। दीपिका भी, रणवीर भी, सबके अपने अपने अलग और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। आलिया भट्ट तो हर बार मुझे, और आलिया की माँ सोनी दासदान मेरी हीरोइन रह चुकी हैं, तो जब मैं जी राजी देखता हूँ मैं एक आलिया देखता हूँ, जब मैं उड़ता पंजाब देखता हूँ तो मैं एक आलिया देखता हूँ, जब मैं गली बॉय देखता हूँ तब मैं एक आलिया देखता हूँ, जब मैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया देखता हूँ तब मैं एक आलिया देखता हूँ। तो आलिया भट्ट क्या है, अभी तक मैंने देख, बस मैं बार बार उनकी पिक्चर देखता हूँ, कमाल करता हूँ कि बहुत जी आउटस्टैंडिंग चलिए सर, नेशन वन से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये अभी नेशन वन से हमारे साथ बात कर रहे थे विवेक वासवानी साहब, जो फिल्मी जगत में अपने निर्देशन के लिए और बहुत काम इन्होंने फिल्मी जगत में ऐसे किए हैं जिसके लिए पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। वासवानी जी, बहुत शुक्रिया नेशन वन से बात करने के लिए। नेशन वन से दे रही है देश की थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ। इजाजत। धन्यवाद। प्लीज स्टे सेफ, प्लीज स्टे सेफ। थैंक यू। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।